नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है तानिया क्योर पे नेचर में। काफी नमस्कार, हमें भी आपके दर्शकों से मिलने में बहुत खुशी है। जी सर, सर आज मैं एक खास टॉपिक लेकर के आई हूँ आपके सामने। बहुत सारे लोग नेचुरोपैथ को हमारे चैनल पे देखना चाहते थे, इसलिए उन लोगों ने काफी रिक्वेस्ट किया कि एक नेचुरोपैथ को भी लेकर आइए। तो मैंने सोचा, मेरे ध्यान में आपका ख्याल आया और मैंने कहा जरूर अरुण शर्मा जी को लाना चाहिए जरूर इसमें। तो सर, बहुत सारी महिलाएं आजकल, आपको पता ही है, ये बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है लेडीज में, पीसीओएस और पीसीओडी की। सर, तो नेचुरोपैथ में ऐसा कोई सोल्यूशन है कि पीसीओडी और पीसीओएस को नेचुरोपैथी के हिसाब से बिना मेडिसिन के उसको ठीक किया जा सके, उसको रिवर्स किया जा सके? पहले तो ये बता दूं कि हमारे दृष्टिकोण में अलग अलग रोगों का अलग अलग नाम नहीं होते जी, और अलग अलग रोगों का अलग अलग इलाज भी नहीं होता। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो लोग आते हैं वो अपने साथ रिपोर्ट लेके आते हैं कि मेरे आप पीसीओडी है, पीसीओएस है, ऐसे रिपोर्ट लेके तो आते हैं, और उनको भी उसी दृष्टिकोण से हमारा इलाज चला है, वो ठीक हो गए। जी, एक लड़की थी जो 17-18 साल की है और उसको 2 साल से ये प्रॉब्लम है, उसका मेंस्ट्रुएशन समय पर नहीं निकलता है और अटक जाता है, और कई 2 साल से वो ऐसे ही है। कभी कभी थोड़ा बहुत स्कैंटी आज मूवमेंट हो जाता था। उस लड़की का इलाज किया तो 1.5 महीने के अंदर उसका बहुत ही अच्छा लाभ मिला। उसका इलाज क्या किया और उसका लाभ कैसे मिला, उसके बारे में वृत्तांत सुनाना चाहता हूँ। जैसे हम कह रहे थे कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में ये ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है, गंदगी का रुकावट, वो अलग अलग एरिया में होता है, इसलिए ऐसे नाम भी अलग अलग दिया जाता है। जी, मेंस्ट्रुएशन होता है वो गंदा खून को निकालने का तरीका होता है। जी, और गंदा खून समय समय पर निकलता रहता है ताकि लेडीज कैन हैव अ गुड हेल्थ। उसका जो रुकावट इसलिए आ जाता है कि जिस तरह का खून बन रहा है उसमें सॉलिड्स बहुत हो जाते हैं, वो उसको सॉलिड्स इसलिए हो जाते हैं कि एसिडिटी ज्यादा है शरीर में। जितना भी खुराक हम खा रहे हैं वो सारा एसिड 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 एसिड, सुबह से ब्रेकफास्ट से लेकर के रात को डिनर सपर तक देखें कितने बार खाते हैं और हर एक खुराक में क्या खाते हैं, उसका अगर परिशोधन किया जाए तो हमें पता लगता है कि इनके खुराक में अल्कलाइन फूड तो है ही नहीं। आमतौर जो बॉडी केमिस्ट्री का जांच किया गया है उसमें ये कहा गया है कि शरीर में 80% अल्कलाइन फ्लूइड होना चाहिए। इसको हिंदी में क्षार बोलते हैं। क्षार 80% हो और 20% तेजाब हो, तब तो अच्छा बॉडी केमिकल बैलेंस अच्छा है ये मानते हैं। ये क्षार पदार्थ या और तेजाब पदार्थ आता भी खुराक से है, जैसे हम खुराक के अनुसार बनता है। और देखा यही गया है कि जितना भी खुराक खा रहे हैं उसमें क्षार पदार्थ है नहीं। वो क्षार पदार्थ आता कहाँ से है? आता है सब्जियों से। बाकी पदार्थ लोगों को, कुछ लोग तो कहते हैं हम तो वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन का मतलब ये शाकाहारी, और उनके अंदर कमियां आ जाती हैं वेजिटेरियन होने के बावजूद। विटामिन डी की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, ऐसे कई विटामिन्स की कमी हो जाती है। कुछ लोगों को और भी कमियां होती हैं। इस वक्त तो इन दोनों खास बातों बात का विवरण बताएंगे अभी। अब विटामिन डी की कमी तो खुराक से नहीं हो सकता है, सिर्फ सूर्य किरण से होता है। और B12 है वो डॉक्टर लोग बोलते हैं, एक हमारी मरीज थी जिनको प्रेगनेंसी थी और उसको B12 की कमी हो गई थी, तो उनके डॉक्टर ने कहा कि भाई B12 किसी भी वेजिटेरियन फूड में नहीं है, इसलिए आपको नॉन वेजिटेरियन फूड ही खाना पड़ेगा।
तो उसने कहा वेजिटेरियन हूँ मैं, तो नॉन वेजिटेरियन नहीं खा सकती हूँ, मैं क्या करूँ। तो मेरे पास आई, मैंने कहा कि उस डॉक्टर से पूछो कि भाई हम क्या बिल्ली कुत्ते वगैरह खा लें क्या। उन्होंने कहा ना 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 क्या ये बात कर रहे हो, कुत्ता बिल्ली को तो कोई भी नहीं खाता, वो तो कार्निवोरस एनिमल है, मीट खाते हैं तो हर्बीवोरस एनिमल का खाओ, जो शाकाहारी होते हैं, जो पत्ते खाते हैं। डॉक्टर साहब आपने तो कहा कि शाकाहारी खुराक में किसी में बी12 नहीं है, तो इनको क्यों खाए हो। नहीं 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 मैं डॉक्टर हूँ कि तुम डॉक्टर हो, बेकार हमारे से चर्चा मत करो, जाके मीट खा लो गाय का या मतलब बकरी का, ऐसे चीज शाकाहारी जानवर का मीट खाते हैं। तो वो आ गए हमारे पास, मैं तो नहीं खा सकती, मैं क्या करूं। एक हफ्ते के लिए उनको बोला था नारियल का पानी पे रहिए और रोज सनबाथ लीजिए, धूप में जाके लेट जाइए 2 बार, इतनी देर लेटिए जब तक कि वजन गर्म ना हो, वजन गर्म होता है तो एकदम वापस चले आइए। तो इस तरह से करती थी वो एक हफ्ता। उसके बाद मैंने बोला जाके चेक करा लीजिए, वहां गए थे उन्होंने देखा B12 वापस आ गया ब्लड में। B12 की जरूरत बहुत थोड़ा सा है, लेकिन वो भी खुराक से ही आता है, जो बॉडी सिंथेसाइज करता है खुद अपने आप। जो बाकी जानवर शाकाहारी जानवर हैं, वो शाकाहारी इसलिए हैं कि वो शाक खाते हैं, पत्ते सब खाते हैं। जो इंसान अपने आप को शाकाहारी कहते हैं, वो पत्ते तो खाते भी नहीं, वेजिटेबल्स खाते नहीं, दाल रोटी खाते, थोड़ा सा ये सूखा सब्जी डाल देते हैं जैसे जो तला हुआ है, और जो सब्जी के नाम से 2-3 दाने सब्जी किसी चीज में पड़ा हो तो पड़ा, बस इतना खाते हैं। पूरे दिन में 100 ग्राम भी नहीं खाते हैं सब्जी, तो कहाँ से उनको क्षार मिलेगा। वो जो सब्जी मिल रहा है वो भी या तो तला हुआ है या तो बहुत प्रोसेस किया हुआ है, तो इसलिए B12 नहीं मिलता है। जिनको ऐसे कमियां होती रहती हैं, विटामिन डी की कमी, विटामिन B12 की कमी, और खुराक में कई ऐसे डिफिशियंसी बहुत होते हैं, उनका खून हो जाता है गाढ़ा। वो जो ये गाढ़ा खून जो है वो निकलता नहीं, रुकावट और पैदा करता है, और जो रास्ते हैं जिस रास्ते से निकलना है उस रास्ते में भी रुकावट पैदा हो जाता है। खुराक में तला हुआ खुराक खाते हैं और ऐसे खुराक खाते हैं जिसमें फैट ज्यादा होता है, तो ऐसे खुराक से खून का भी तासीर खराब हो जाता है, और छोटे 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 उम्र में ही उनको जो है माहवारी आना बंद हो जाता है। तो माहवारी जब बंद हो जाता है तो उसके लिए दवाई खाते हैं, दवाई खा करके भी नहीं आता कुछ लोगों को। तो इसके लिए हमें जब इलाज शुरू किया, हमने उनको यही कहा सबसे पहले रनिंग एक्सरसाइज बताया, 15 मिनट तो कम से कम रनिंग करना चाहिए हर एक को। तो लड़कियों को कई बार ऐसे आदत हो जाता है, बैठे बैठे कंप्यूटर गेम तो खेल लेती हैं, बाजार पार्क में जाके रनिंग करते बहुत कम लोग हैं। गेम्स में जाते हैं तो क्या गेम खेलते हैं, सिर्फ कंप्यूटर गेम खेलते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज तो है ही नहीं। तो सबसे जरूरी पॉइंट एक है फिजिकल एक्सरसाइज, उसके लिए रनिंग। आप, मैं तो योगा करती हूँ, मैं वॉकिंग करती हूँ, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं मैं रनिंग नहीं करती हूँ, लेकिन उससे फायदा नहीं होता। मैं जाके देखा एक शख्स कह रहे थे ये तो 1.5 घंटे वॉकिंग के लिए जाते हैं, उनकी वाइफ ने कहा। मैंने पार्क जाके देखा 45 मिनट तो वो दोस्तों से चर्चा कर रहे थे, पॉलिटिकल डिस्कशन। अच्छा है कि केजरीवाल अच्छा है, फलाना अच्छा है, ये इसने क्या किया, उसने की किया, चर्चा चल रहा है। 45 मिनट के बाद उन्होंने कहा अरे अरे टाइम हो गया, मुझे एक्सरसाइज वॉकिंग में जाना है, 2 राउंड लगा के फिर घर चले गए। उनका वॉकिंग क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ जी। जब रनिंग की बात आती है, 15 मिनट कंटिन्यूस रनिंग करना है ऐसे कहते हैं, तो वो कहते हैं मेरे तो घुटने में खराब है, ये मेरे ये खराबी है, मैं दौड़ नहीं सकती हूँ या मैं दौड़ नहीं सकता हूँ, ऐसे बोलते हैं। तो मैं तो वॉकिंग करती हूँ, ऐसे बोलते हैं। वॉकिंग लीव इट टू ओल्ड पीपल, वी आर ऑल यंग, लेट अस डू वॉक रनिंग। रनिंग करने से ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, एलिमिनेशन तो फैंटास्टिक हो जाता है, हार्ट और लंग्स दोनों साथ साथ काम करते हैं।
और इतना तेजी से करते हैं रनिंग के वजह से, ताकि उनका ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़िया होता है, एलिमिनेशन को तो पूछो ही मत, और भी बढ़िया हो जाता, तो उनको रनिंग सबसे बहुत जरूरी था। सेकंड चीज क्या है, एडिक्वेट रेस्ट, एम्पल एक्सरसाइज, एडिक्वेट रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या है, दौड़ के आने के बाद और छोटे छोटे काम में मत लगो, आकर फ्लैट ग्राउंड में, जैसे हार्ड फ्लोर है आपके पीछे, ऐसे ग्राउंड में लेट जाओ। ओके। लेट कर सारे नसों को ढीला छोड़ दो। इससे क्या होता है कि रनिंग एक्सरसाइज जो किया उसका फायदा उसमें मिलता है जी। क्या रनिंग का फायदा तब मिलता है जब वो एक्सरसाइज करने के बाद आराम करेंगे। ड्यूरिंग दैट टाइम दे गेट द बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज। इसी तरह से शाम को भी एक बार एक्सरसाइज करो, उसके बाद आकर नहा लो, शावर ले लो, उसके बाद खाना खाओ, तो इसके बाद रेस्ट जब करेंगे तो कंप्लीट रेस्ट मिलता है। कई लोगों को नींद ठीक से नहीं आता, इसलिए एक्सरसाइज करने के बाद जो शावर लेके खाना खा के बाद में रेस्ट करते हैं, उनको रेस्ट अच्छी तरह से आता है, नींद बहुत बढ़िया आता है। ये सब वजह है जिसकी वजह से स्वास्थ्य अच्छा रख सकते हैं। तीसरा रिक्वायरमेंट है पॉजिटिव फूड। पॉजिटिव फूड में हम जोर देते हैं एक खुराक फल का हो, सिर्फ एक किस्म का फल खाएं, और दूसरे खुराक में सब्जियों का मिश्रण, कच्चे सब्जियों का मिश्रण, सलाद बोलते हैं, कच्चे सब्जियों का सलाद खाओ, उसमें भी नमक मत डालो, नींबू मत डालो, और क्या नाम, एप्पल साइडर विनेगर, ऐसे चीजें, ड्रेसिंग वगैरह मत डालो। स्वादिष्ट सलाद कैसे बन सकता है उसका एक दिन और आपको शो दिखाएंगे, कि सलाद के मटेरियल भी दिखा देंगे और सलाद कैसे बनता है ये भी दिखा देंगे। ये सबसे जरूरी खुराक है इंसान के जीवन में। इसके अंदर क्या है, तीन चीज, इसमें है रेशा और इसमें है पानी, इसमें है जीव। फूड वाटर एंड फूड में फूड शुड हैव फाइबर वाटर एंड लाइफ। इट इज नॉट द फूड इन योर लाइफ बट द लाइफ इन योर फूड दैट मैटर्स, ऐसे कहावत है। इसके जीव खुराक में जीव ना हो तो वो खुराक बेकार है। तो ये पॉजिटिव फूड बहुत बहुत जरूरी है। एक बार कच्चे सब्जियों का सलाद खा लो, और शाम को जल्दी ही सूर्यास्त से पहले अगर खा सको तो बहुत ही अच्छा है। एक बार पका हुआ खाना खाओ, पका हुआ खाना भी इतना खराब मत पकाओ कि वो उसके न्यूट्रिएंट्स मारे जाएं, तो कम से कम पका के जितना यूज कर सकते हैं उसमें उतना बेनिफिट है। ये तीन तो हो गए पॉजिटिव फूड के चैप्टर। और इसके बाद पॉजिटिव थॉट्स। पॉजिटिव थॉट्स कैसे होते हैं, कि मेरा ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, निराश होती है लड़कियां, और उसके निराश होने से डिस्टर्बेंस इन द माइंड विल बी लेड टू द डिस्टर्बेंस इन द बॉडी। मन की जो परेशानियां हैं वो बदन के ऊपर भी ट्रांसफर हो जाते हैं। इसलिए मन को पॉजिटिव थिंकिंग में रखना है, जो भी हुआ इवन दिस विल पास, आई विल सक्सीड इन माई लाइफ। ऐसे दृष्टिकोण से आप काम करेंगे तो आपका हाजमा भी अच्छा हो जाएगा, आपका एलिमिनेशन भी अच्छा हो जाएगा। ऑल द बॉडीली एक्टिविटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर एक्टिविटीज। इसका मतलब सारे शरीर के कार्यक्रम को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो यह है कि जो खुराक हम खाते हैं उसको खून में परिवर्तन करना। दूसरा काम क्या है शरीर का, जो गंदगी खाने के बाद जो गंदगी एकत्रित हो जाता है उसको समय समय पर निकाल देना। ये दो काम मेजर काम है। इसमें जिसका एलिमिनेशन एक्टिविटी कमजोर हो जाता है वो बीमार हो जाता है। ये जितने PCOS के मरीज हैं उनके सब में जीवन में ये देखा गया है कि उनका कॉन्स्टिपेशन है, किसी ना किसी तरह से कॉन्स्टिपेशन है या इंडाइजेशन है, बदहजमी और कब्ज जो है, लाइक फादर एंड मदर फॉर ऑल डिसीज़। और PCOD के केसेस में ये देखा गया है उसको निकालने का तरीका रेगुलरली टोना लेना। टोना का मतलब मिनी एनिमा। इसके जरिए कुछ दिनों के लिए इसका प्रैक्टिस करने से मल जो है आराम से निकल जाता है। आंतों के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है,
इसका मतलब वेव मूवमेंट। तो वो वेव मूवमेंट जो है बहुत स्लगिश होता है। ये टोना का प्रयोग करने से, टोना के बारे में एक सेशन अलग करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। तो टोना से वो उनका आंतों का स्ट्रेंथ री एस्टैब्लिश हो जाता है, दोबारा आंतों की शक्ति पुनर्जीवित हो जाता है और मल को समय समय पर निकाल लेता है विदाउट मच एफर्ट। ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, आसानी से निकल जाता है। एक बार मल निकलने का जो प्रयास अच्छा हो जाए तो ये दिस प्रोसेस ऑफ मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल इज आल्सो अ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। जब नॉर्मल चैनल्स ऑफ एलिमिनेशन काम नहीं करते हैं तब ये अबनॉर्मल चैनल्स भी खराब हो जाते हैं। अबनॉर्मल चैनल से ही एलिमिनेशन करने का शरीर कोशिश करता है। इसके लिए नॉर्मल चैनल्स को स्ट्रेंथन करना सबसे जरूरी है। ये करते करते उनका पीसीओडी पीसीओ जो भी है तकलीफ कम टाइम पर ठीक हो जाता है। ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट पांच गाइडलाइंस। पांचवा क्या है, एंगेज इन एन ऑक्यूपेशन दैट विल कंबाइन योर स्किल एंड पैशन टू हेल्प अदर्स। इसका मतलब क्या है, कोई ऐसे व्यवसाय में आप लगिए जिसकी वजह से आपका जुनून और आपका हुनर जो दोनों मिल करके किसी औरों का मदद करने के लिए उपयोगी हो। ये तो लंबा विवरण से समझाना पड़ेगा, बाद में समझाएंगे। इसका मतलब यह है कि काम जिसका कुछ नहीं है उसका दिमाग खराब हो जाता है। कुछ काम हो, आप जैसे आप कर रहे हो बहुत बढ़िया काम, ऐसे लोगों के पास कुछ काम हो तो छोटी छोटी बातें बाधा नहीं करती, कई बातें जो है वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। तो ये सब पांच गाइडलाइंस हैं। इसमें जो विस्तार से कहने वाला बात है वो है एक्सरसाइज और पॉजिटिव फूड। इसके बारे में संक्षिप्त में तो मैंने आज बता दिया। और इसमें एक्सरसाइज में सबसे जरूरी एक्सरसाइज है प्राणायाम। प्राणायाम के बारे में भी अलग प्रोग्राम देना पड़ेगा। उसमें सांस कैसे खींच के रोकना है, सांस को निकाल कर रोकना है, रेगुलेटेड ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज कॉल्ड प्राणायाम। प्राण वायु जो आता है हमारे शरीर में उसको रेगुलेट करके अंदर ले जाना है और उसके अंदर अपान वायु जो निकलता है उसको भी रेगुलेट करके निकालना है। इन दोनों के बीच में सांस अंदर लेकर के कुंभक बोलते हैं उसको, सांस को फेफड़े के अंदर भर के रोकना है और दूसरा बाह्य कुंभक रेचक के बाद हवा को गंदे वायु को निकालने के बाद सांस को रोक करके उसमें जो कुंभक करते हैं उसमें बहुत फायदा है। उसके बारे में विस्तार से प्राणायाम के क्लास में समझाऊंगा। आज तो ये समझाना जरूरी है कि प्राणायाम का प्रैक्टिस किया करें, रनिंग एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें। ये दोनों एक्सरसाइज के हिस्से में बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट के बारे में संक्षेप में मैंने बता दिया। If there is any questions, I can entertain. Okay, I think आपने सभी जितने भी मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग में किए थे वो पूरा उसका सार आपने पूरा बता दिया है, किस तरह से अपने शरीर की देखभाल करनी है। जहां तक मुझे समझ आ रहा है कि पूरी बॉडी जो है वो टॉक्सिसिटी से ही खराब होती है। अगर आपकी बॉडी में एक्सेस टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है तभी ये सारी बीमारियों को पैदा भी करता है। तो सर एक सवाल है मेरा आपसे कि जिन लोगों को बहुत सालों से दवाइयां खा रहे हैं वो कितना समय उनको लगेगा, अगर उन्होंने इस तरह की लाइफस्टाइल को स्टार्ट किया तो कितना समय उन्हें लग सकता है? क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन लेकर के अगर आदमी चलेगा तो थोड़ा सा उसको एक पॉजिटिविटी आती है, एक उम्मीद जगी रहती है। बिल्कुल, जो कई सालों से दवाई खा रहे हैं, जितने साल से दवाई खा रहे हैं उतने महीने तो देने पड़ेंगे। ओके ये ज्यादा नहीं, दिस नॉट अ बिग डिमांड। इफ यू हैव बीन टेकिंग ए फॉर 8 months मेडिसिंस, यू हैव टू गिव 8 months टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन क्या करता है, सिम्टम्स को रोकता है। और प्राकृतिक चिकित्सा क्या करता है, स्वास्थ्य के स्तर को ऊंचा करने की कोशिश करता है। ये दोनों अंतर है। जितना साल मेडिसिन खाया उतना महीना दे दो जी। और मुमकिन है कुछ लोगों का ज्यादा
असर ना हो, दवाई का कम हल्का मेडिसिन लेते रहे, उनको हो सकता है कुछ ही हफ्तों में ठीक हो गए। जिन लोगों ने मेडिसिन नहीं लिया कभी भी, ये पीसीओडी आ रहा है शुरू में, उनको चंद दिनों में ही ठीक हो जाते हैं, 15 दिन में 20 दिन में उनका सिस्टम बिल्कुल ठीक हो जाता है। नेक्स्ट जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो बराबर काम करने लग जाता है। जी सर, अगर जिन लोगों को मल्टीपल बीमारियां हैं पीसीओएस और पीसीओडी के साथ और भी बहुत सारे डिजीजेस हैं उनको, तो क्या आपका बताया हुआ जो ये आपने बताया 5 नियम अगर इनको फॉलो करते हैं तो उनको पॉजिटिव रिजल्ट दिखेंगे? इस नेचर क्योर में तो खास मेन फीचर ऑफ नेचर क्योर इज दैट इट विल साइमल्टेनियसली क्योर ऑल अदर प्रॉब्लम्स। ओके, वो बॉडी को पता है कि कौन सा प्रायोरिटी है। जिसको कब्ज है, जिसको बदहजमी है, उसके अलावा सर दर्द है, पीसीओडी भी है, ये सब प्रॉब्लम तो होता है, लेकिन शरीर को मालूम है कौन सा चीज पहले ठीक करना है। पीसीओडी ठीक करने से पहले वो बदहजमी ठीक करेगा, पीसीओडी ठीक करने से पहले से वो कब्ज ठीक करेगा। शरीर को मालूम है कौन सा प्रायोरिटी है, वो करते करते सारे दुख दूर हो जाते हैं। ओके सर, एक लास्ट सवाल है मेरा आपसे कि कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि कच्चे फल सब्जियां खाने से, खासकर सब्जियां खाने से उनको थोड़ा ब्लोटिंग हो जाता है, गैस फॉर्मेशन होता है उनके स्टमक में, तो उसके लिए कुछ ऐसा तरीका है जिससे वो सब्जियां भी खा लें और उनके पेट में गैस भी ना बने? ये तो बहुत आम तौर पर सवाल आता है, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि गैस क्यों बनता है, ये किस लिए बनता है कि उस कच्चे आहार के साथ कुछ ना कुछ पका हुआ भी खा लेते हैं तब गैस बनता है। दूसरा वजह यह है कि एक एक फाका जो हम खाते हैं उसको खूब चबाइए, चबा करके उसको पानी बना लीजिए, उसके बाद निगल लीजिए, कभी गैस हुआ ही नहीं जिंदगी में। गैस का प्रॉब्लम तो तभी आता है जब नहीं चबाते हैं ठीक से, जल्दी जल्दी खाते हैं, कहीं जाने की जल्दी है, कहीं कुछ करने की जल्दी है, या उसके अंदर कुछ और मसाला डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं, ऐसे गलत काम करने से गैस ट्रबल होता है। जी, आई होप हमारे दर्शकों को लगभग सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो आज के लिए जी, हमारा दिल्ली कैंप चल रहा है, दिल्ली में बालाजी निरोग धाम में 10 दिन का कैंप चला रहे हैं। जी, 19 तारीख, ये 18 तारीख को, 17 तारीख को खत्म हो जाएगा। ओके, और इसके हम जाएंगे पोल्लाची कोयम्बतूर के बाद, 1 महीने का वहाँ शिविर लगा रहे हैं हम लोग, जो बहुत तीव्र रोग, बहुत सालों का रोग जो है, ब्रेस्ट कैंसर है, किसी को यूट्रस में ट्यूमर है, और किसी के पेट में इतना बड़ा ट्यूमर है, सिरोसिस ऑफ द लीवर है, ऐसे से मरीज आ रहे हैं सुने, उनका इलाज वहाँ हो रहा है। वहाँ का इंटरव्यू जब होगा तो हम आप मरीजों को भी देखे दिखाएंगे, आपको वो कैसे इम्प्रूव हो रहे हैं वो भी बात आपको दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे अपडेट करिएगा। हाँ, मैं एक सेशन रखूंगी जिसमें पूरा लाइफ आप दिखाएंगे, लोगों को मोटिवेशन मिलता है एक्चुअली इन सब से ना, कि हमें फल सब्जियों की तरफ ज्यादा रुख करना है। बहुत सारे लोगों को ये होता है कि हमको चबा नहीं पाते, टेस्ट बट नहीं उसको सूट करता है, तो जी तो ये इनमें से कई लोग हैं जो कि पहले से काफी फायदा उठा चुके हैं, ये लोग हाथ उठा रहे हैं। वाओ, सो मेनी पीपल, ओके, सब लोग काफी, ओके, दैट्स गुड। तो जो भी आपका जो दर्शकों का सवाल होगा वो आपके उसमें लिखते होंगे क्या बोलते हैं? हाँ, कमेंट सेक्शन में तो आएंगे सारे सवाल, और डेफिनेटली मैं आपके साथ और भी वीडियो बनाना चाहूंगी, क्योंकि हमारे दर्शक जो है वो नेचुरोपैथ और आयुर्वेद की तरफ ज्यादा आकर्षित हैं, और कहीं ना कहीं मेरा चैनल उनको काफी मोटिवेट भी करता है, तो आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं बहुत सारी वीडियोज आपके साथ लेके आऊंगी और बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स के ऊपर हमारा बात होगी। मुझे ये पता है कि हर प्रॉब्लम का सलूशन एक ही है, लेकिन फिर भी उसको बताने का एक तरीका होता है, समझाने का एक तरीका होता है, तो वो उस तरीके से आप बताएंगे तो लोगों को मोटिवेशन भी मिलेगा और करने का एक प्रेरणा मिलेगी, और जब आप लाइव एग्जांपल दिखाएंगे लोगों को कि लोग ठीक हो रहे हैं, तो उससे बढ़कर और तो कोई सबूत है ही नहीं सर। थैंक यू।
तो सर आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ, समय का अभाव है, और मैं मिलूंगी जल्दी ही आपसे दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।